want to know about the press conference. आज आप लोगों ने हम बुलाया है the media person. Tell us something about the context of the press conference and then हम अपने सवाल जवाब करेंगे. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में मैं जब गई थी 29 को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए कि 33% आरक्षण पास हुआ था, तो उसके लिए और अपना खड़गे जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए गई थी. और जैसे गेट पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मेरे पास मेरे ऊपर हमला कराया गया और मेरे पापा को भी मारा गया, और जिसकी वजह से मेरे पापा मतलब लाइक अभी तक उस सदमे से, इनफैक्ट मैं भी उस सदमे से नहीं निकल पाई हूँ. तो मैंने पहले भी मीडिया में बोला था कि मैं 2-3 दिन का वेट करूँगी, तो मैंने वेट किया. मुझे लगा था शायद अब पार्टी की तरफ से कुछ आएगा या अब मुझे कोई एक रिप्लाई तो आएगा, बट कुछ भी रिप्लाई नहीं आया गया है. तो फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है. ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, ये मतलब हर देश की बेटी के साथ हुआ है जो मतलब लाइक आगे बढ़ना चाहती है या आपकी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है. तो उस चीज़ पे मैंने अपना लीगल मैंने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मैंने अभी 1-2 दिन हुए हैं शायद हम लोगों को, हमने ये भेजा है. क्योंकि मुझे इस चीज़ पे अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत सहूँगी भी नहीं. और जिसने ये किया है, और मैं चाहती हूँ, मैं इनफैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी चाहती हूँ और अपनी कांग्रेस पार्टी से भी चाहती हूँ कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए, क्योंकि मुझे वो व्यक्ति पता है. आप लोग अपनी चीज़ों से पता लगाए, और जिसकी वजह से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा है अपनी प्रोडक्शन के लिए, और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा हुआ है, और द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी भेजा गया है, एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी भेजा है. ये सब लोगों को मैंने भेजा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोगों ने ऑन रोड मेरे पे हमला कराया गया है, तो अगर मैं FIR करवाने के लिए जाती हूँ तो पता नहीं ये लोग मेरे पे क्या करा दें. तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से और यहाँ तक कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि मैं सही से अपनी FIR दर्ज करा दूँ, जिसकी वजह से उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने मेरे साथ ये हमला करवाया है. इनफैक्ट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब चीज़ें कराने के बाद उल्टा ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, वो भी जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर. मैं बताना चाहती हूँ सबको कि वो एक फेक लेटर है, वो झूठ लेटर है, जिस पे जो साइन आ रहा है श्याम किशोर शुक्ला जी, वो एक्स MLA है और इसके अनुशासन समिति के सदस्य हैं. तो पहला रूल तो ये होता है कि कोई एक्स MLA यानी एक्स MLA किसी एक्स MLA कैंडिडेट को निष्कासित नहीं कर सकता, उसको हक नहीं होता है. मुझे अगर कोई निष्कासित करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, तो उनको कोई हक नहीं बनता है. और दूसरी चीज़, उन लोगों ने क्या किया कि एक लेटर पे बैक डेट की मतलब बैक डेट की एंट्री डाल के मुझे निलंबित कर दिया गया है. तो ये भी उन लोगों ने पूरे देश में ये झूठा खेल जो लोग खेल रहे हैं, उस चीज़ को भी मैं सामने लेके आऊँगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बैक डेट की, क्योंकि ना मुझे कोई रिसीविंग हुई है, ना मुझे मेल पर आया है, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया है, मुझे कुछ भी नहीं आया है. तो आगे का ये वकील है और यही सारा चीज़ें उनसे सवाल करेंगे. एक मिनट सर, एसी बंद करो, बहुत हमिंग आ रहा है. एसी बंद करो, एसी. अर्चना जी, क्या आपको प्रियंका गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आपको क्या कॉल आया? और एक हमको ये भी पता चला है कि आपको प्रियंका गांधी ने ब्लॉक किया है आपका नंबर, क्या ये बात सच है? देखिए, मैं दीदी का मेरे पास पर्सनल नंबर था. मैं सच कहती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि वहाँ से मुझे ब्लॉक हुआ है, बट हाँ, जो नंबर मुझे मतलब जो मेरे पास था दीदी का नंबर, उस नंबर से मैं ब्लॉक हुई हूँ. बट मुझे डैम श्योर है कि ये दीदी ने नहीं किया है, ये संदीप सिंह ने किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर आप संदीप सिंह चला रहे हैं. और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि दीदी प्लीज़ आप इस चीज़ पर एक्शन लीजिए, बट वहाँ से मुझे ब्लॉक हो गया. तो इस चीज़ का मुझे हर्ट हुई हूँ, मैं ऑफकोर्स हर्ट हुई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो संदीप सिंह ने ही किया है. ओके, अर्चना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जब पार्टी से निलंबित किया गया जी, उसके पहले आपको एक शो कॉज नोटिस जो है दिया गया था, 1 हफ्ते के अंदर आपको जाना था, आप नहीं गए.
उसके अलावा आपको निलंबित करने का कारण बताया जा रहा है कि जब आप कैंपेनिंग कर रही थी इलेक्शंस के दौरान उस दौरान आपने कई सारे व्हीकल्स का पेमेंट क्लियर नहीं किया, क्या ये बात सच है? इस बारे में पहले बता दें। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक हफ्ता पहले नोटिस आता है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना मुझे मेल पे आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया, ना मुझे किसी भी चीज़ पे नहीं, कोई भी नोटिस नहीं आया। और दूसरी चीज़ जो ये आप लेटर देख रहे हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बैक डेट का ही उन्होंने डाल के निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि मेरे को पार्टी से हटाने का सिर्फ जो जिम्मा जिसे कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष पे है, और उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष कोई और थे, उनके मतलब उनके तहत ये लेटर पास नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि मैंने जब इलेक्शन में लड़ा था मैंने पैसे नहीं लिए थे, वो तो मैं अपनी लीगल टीम से बताऊंगी जब मेरी बैंक की पूरी स्टेटमेंट आएगी कि मेरे बैंक के पैसे किन किन लोगों ने खाए हैं। जो राजस्थान से कुछ लोग आए थे मेरे इलेक्शन में ही, उन लोगों को ही मैंने पैसे दे दिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये झूठ बोला था कि आप हमको पैसे दे दीजिए, हम आपका पूरा इलेक्शन मैनेज करते हैं। तो वो तो मेरी बैंक स्टेटमेंट ही तय करेगी कि मैंने किस किस को पैसे दिए। तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाना आप किसी लड़की पे छोड़िए। और तीसरी चीज़ जो गाड़ी की पेमेंट की बता बोल रहे कि गाड़ी का पेमेंट मैंने नहीं दिया है, आज भी गाड़ी की पूरी पेमेंट की रिसिप्ट मेरे पास है। और चुनाव में एक किताब लिखी जो कॉपी होती है जिसमें आपको सारे बिल्स भरने होते हैं, तो उसमें वो बिल भरे हुए हैं, तो मेरे पास सारे सबूत हैं, और उसके लिए मेरे जो वकील हैं वो ही उनको इसका जवाब देंगे। सोहेल जी, लीगल टर्म्स पे जो आपने अभी शिकायत की है पीएम नरेंद्र मोदी जी से लेकर के महाराष्ट्र के सीएम तक और पुलिस कमिश्नर को भी, तो क्या लीगल टर्म्स में आपने सेक्शंस के तहत आप करने वाले हो आगे भी? देखिए, हमने तो सबसे पहले अर्चना की तरफ से एक पुलिस कंप्लेंट डाली है दिल्ली पुलिस को, या जो अर्चना ने आपको अभी दिखाया है पुलिस कंप्लेंट, जिसमें जो इंसिडेंट हुआ था इनके साथ 29/9 का जो इंसिडेंट था, हमने पूरा नरेट किया है। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेके जितने भी दिल्ली के अधिकारी हैं सबको हमने ये कंप्लेंट लिखी है, जो अर्चना की तरफ से लिखी है कंप्लेंट, क्या क्या हुआ है, क्योंकि उस दिन के बाद से अभी तक इनको कुछ इंसाफ नहीं मिला था, कुछ चीज़ें इनके साथ हुई नहीं थी, ये भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ था। तो उसके बाद जब ये हमारे पास आई और उन्होंने हमको बताया कि ये सब चीज़ें हुई है, तो उन्होंने एज इट इज़ जो स्टोरी थी इनकी पूरी स्टोरी नरेट करके हमने यूनियन ऑफ इंडिया जितने भी है पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेके सबको हमने ये एक कंप्लेंट लिखा है, और जो उन्होंने डिस्पैच किया है, क्योंकि ये इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था तो इसलिए हमने ये पूरा दिल्ली पुलिस को लिखा हुआ है। इंसिडेंट के हिसाब से एक एक चीज़ जो हुई है इनके साथ, जो इन्होंने कहा है, हमने पूरा ये दिल्ली पुलिस को लिखा के एक एक चीज़ इनकी जो चीज़ है जो सच्चाई है जो इनके साथ हुआ है, और होने के बाद जो आरोपी है उन पर एक्शन नहीं हुआ है, हमने पूरा ये लिखा था। अब ये लिखने के बाद इसको हो गया है 2 दिन, या मैंने 9 अक्टूबर को लिखा है सबको, सब जितने भी जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ को लिखा है। उसके बाद बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल आता है कि अर्चना जो आज बॉम्बे में है, उनको यहाँ पे भी काफ़ी थ्रेट्स आ रहे हैं, चीज़ें इनको हो रही हैं कि कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी इनको आ रहे हैं, ये यहाँ से दिल्ली तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाएंगी कैसे, वन। एंड सेकेंड थिंग है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का FIR कैसे कराएंगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का जाने का इनको लगता है कि इनको थ्रेट टू लाइफ है, तो इसलिए हमने ये आज एक कंप्लेंट आप देखेंगे, आज हमने जो प्रॉपर लीगल हमारे पूरे गवर्नमेंट महाराष्ट्र के CM से लेके ऑनरेबल PM तक लिखा है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी हमने ये लिखा है कंप्लेंट कि हमारी जो क्लाइंट है अर्चना, उनको ट्रेवल करना है दिल्ली, तो आप प्लीज हमें पुलिस प्रोटेक्शन दें, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट प्रोटेक्शन। हमने इनका ट्रांजिट प्रोटेक्शन मांगा है कि यहाँ से जब तक दिल्ली लैंड नहीं होते हैं, और दिल्ली लैंड होने के बाद जब तक इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, इनको पूरी पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम कंप्लेंट नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो इन्होंने सब स्टेटमेंट में दिया है, तो ये चीज़ के लिए इनको हमने फुल प्रोटेक्शन मांगा है, जिनके लिए आज ये यहाँ पे भी बैठी हैं, क्योंकि हमने ये सबसे आप देखेंगे सबसे हमने प्रोटेक्शन मांगा है कि आप इनको प्रोटेक्शन दिए, और ये एज पर लॉ के लिए जो कार्रवाई होना चाहिए एज पर लॉ, ये जाए वहाँ पे दिल्ली में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, और रिकॉर्ड करने के बाद जो पुलिस जैसे एज पर लॉ अपनी जो कार्रवाई करे वो करे, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी प्रोटेक्शन जो हमने आज मांगी है। और आपने मुंबई पुलिस से क्या आपने दरखास्त की है? हमने मुंबई पुलिस से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको पावर है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को भी हमने लिखा है इसके अंदर कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने एक कंप्लेंट किया है दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट, दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट किया है अगेंस्ट जो इंसिडेंट हुआ है, तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए यहाँ से लेके दिल्ली जाने, ये स्पेशल हमारा है।
अर्चना मैं आपसे जानना चाहूँगी, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है, आप एक महिला होने के नाते, एक सेलिब्रिटी होने के नाते आप जाती हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने, एकाएक महिलाओं में ऐसा क्या गुस्सा भड़क गया कि वो आप पर ऐसे टूट पड़ी, और किस प्रकार आपके पिताजी तक को जो है वहाँ पर मैं देख रही थी, काफ़ी ख़राब विजुअल्स, आपको ड्रैग किया जा रहा है, आप वहाँ से भाग रही हैं, जो भी है, क्या हुआ था, एकाएक ऐसा क्या बोल दिया आपने या फिर क्या हो गया कि वो सभी ऐसे भड़क उठे? वो चीज़ें आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखेंगी, जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर 4 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, और जब मैं FIR करूंगी तो ऑफकोर्स पुलिस सीसीटीवी फुटेज मांगेगी, तो जितने भी लोग हैं जो लोग मुझ पर जो लांछन लगा रहे हैं कि मैंने बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव किया, तो उन लोगों को सामने पूरा असलियत दिख जाएगा और पूरी दुनिया के सामने सच का पता चल जाएगा कि मैं जस्ट, मेरे ड्राइवर के हाथों में बुके था, फ्लावर पोट था, और मैं जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करने गई थी, और ऐसा नहीं है, मैंने उनके पीए को, यानी जो संदीप सिंह है, उनका भी कोई पीए है जो कि अभी बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनको भी मैंने एक रात पहले यानी 28 तारीख को 10 बजे उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन बोला था कि मैं 12 बजे कॉन्ग्रेचुलेशंस करने जा रही हूँ, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, उसका भी सारे सबूत मेरे पास है, तो जब FIR होगी तब पता चल जाएगा। उनका नाम भी धीरज गुजर है, तो धीरज गुजर को जाने से पहले ही मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उन्होंने संदीप सिंह को बोला, और संदीप सिंह ने ये एक दिन पहले ही पूरा प्लान बनाया गया, और आपको इतना भी बता दूँ मेरे पास सारी फोटोज़ हैं, जो बसेस आई थी वो लखनऊ से और बरेली से आई हुई थी, उसमें महिलाएं भर भर के आई हुई थी, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीज़ें कहते हैं कि क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल पर चला जाता, तो इन लोगों ने दिल्ली मतलब यूपी से यानी लखनऊ से गाड़ियां भर भर के औरतें बुलवाई थी मेरे पे हमला करवाने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब FIR होगी और पुलिस जब अपनी कार्रवाई करेगी, तब आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने मुझे मारने का प्लान किया हुआ था और उनका ये प्लान फेल हो गया। अच्छा अर्चना, जैसे कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मैं बात करूंगी, तो प्रियंका गांधी का तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे कि फोन जो है ब्लॉक किया गया, और राहुल गांधी से क्या था? फोन नहीं है क्योंकि मैं इस पे संक्षिप्त टिप्पणी नहीं दे सकती, बट मुझे 110% पता है कि उनका फोन ही उनके पीए के हाथ में है, इस वजह से कि दीदी को ये बात पता ना चल जाए, राहुल गांधी जी को ये बात पता ना चल जाए, तो वो जो भी मेरे रास्ते में मैं मिलने की कोशिश करती हूँ वो उसी दीवार को हटा देता है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी सभी लोग देख रहे हैं, तो वो लोग भी तो देखते होंगे कहीं ना कहीं, फिर भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं ना कर पाना, इसके पीछे क्या रीज़न मानते हो? कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते हैं, ये सिनेरियो दिख रहा है, दिख क्या रहा है? मैं बता रही हूँ आपको क्या हुआ है, मैं ये तो अपने वकील को भी दूंगी और जज को भी दूंगी, इन लोगों ने एक कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं जिसे मैंने बोला हुआ है कि जो कांग्रेस का सिस्टम खराब कर रहे हैं, उन लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाला है जिसमें ये बोला गया है कि अर्चना को ऐसा बोलो, आप ऐसा ऐसा बोलो, अर्चना के लिए हम लोगों ने इतना किया है और ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब लोगों से जबरदस्ती फ़ोन करा रहे हैं और गलत गलत लिखने के लिए बोला जा रहा है, इसके भी सारे सबूत मेरे पास हैं, तो मे भी ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को मेरे बारे में गलत बोला गया हो संदीप सिंह के माध्यम से, जिसकी वजह से वो शायद उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसीलिए मैंने लीगल टीम का सहारा लिया, इसीलिए मैंने कागजातों का सहारा लिया कि उन लोगों को पता चले कि जिस दलित लड़की के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उनको आगे तक लेके जा रहे हैं, आपके ही सिस्टम में जो बैठे इंसान हैं संदीप सिंह जैसे लोग, वो ही देख दलित लड़की के साथ ऐसा करते हैं, मारपीट करते हैं और उस पर जानलेवा हमला कराया जा रहा है, तो वो सब सारी सच्चाई उनके सामने आनी चाहिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अब एक वकील का सहारा लिया है, मैंने कागज का सहारा लिया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी संविधान, तो संविधान में सारे कानून बनाए गए हैं, तो मैंने आज उन बाबा साहब के कानून का सहारा लिया है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे इस पे इंसाफ मिलेगा या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, कल को अगर मैं मर जाती तो सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे सड़क पे उतर जाते कि एक दलित लड़की की हत्या की गई है ऑन रोड पे, और सब लोग अपनी राजनीति करते चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो, तो मैं बस उन नेताओं से, उन बड़े बड़े नेताओं से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ,
ये मेरी माता रानी शायद मेरे साथ है, या मेरी मेरे माता पिता मेरे साथ है जो मैं आज जिंदा हूँ। अगर आज ही मैं मर जाती तो आप सब लोग राजनीति पे उतर जाते, तो आज सारे बड़े नेता क्यों चुप बैठे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे। मैं खड़गे जी से भी बोलना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं दिखता है कि मेरे साथ गलत हुआ है खड़गे जी? राहुल गांधी जी, क्या आपको नहीं दिखता है? आप इस चीज़ का पता तो लगाइए, आप किसी की बातों में क्यों आते हैं? आप एक बार सच्चाई का पता करिए। इनफैक्ट मैं सभी पार्टीज के नेताओं को बोल रही हूँ, मैं मोदी जी से भी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी इस चीज़ पे एक्शन लीजिए। और महाराष्ट्र के सीएम से भी मैं बोलना चाहती हूँ, दिल्ली के सीएम से भी बोलना चाहती हूँ, केजरीवाल जी से भी बोलना चाहती हूँ। तो आज बस मुझे ये देखना है कि एक जिंदा लड़की जिस पे ये सब चीज़ें हुई हैं उसको इंसाफ मिलता है या नहीं। और कहीं ना कहीं विपक्ष का भी कोई कमेंट नहीं आ रहा अब तक, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा ऑफिशियली, तो इस पर क्या टेक आप? आपने कहीं किसी से संपर्क साधने की कोशिश की थी? देखिए मैं अभी मुझे नहीं पता, आपको पता, मैं आपको बताती हूँ, मैं घर से नहीं निकली हूँ। मैं जब से मैं आई हूँ, मैं आई थी 29 की रात को आई हूँ, मैं 29 की रात को मैं घर से नहीं निकली हूँ। मैं चुपके बिल में घुस के बैठी हुई थी। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उल्टा सा उल्टा मेरे को निलंबित करते रहे, सारा चीज़ें मेरे पे आ रही है। फिर मैंने सोचा कि अर्चना अगर तू डर गई तो फिर इस देश में कोई भी लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। और उसके बाद से फिर मैंने डिसाइड किया, और फिर मैंने अपने एडवोकेट जो अपना सुहेल जी हैं इनसे कांटेक्ट किया, और चांदनी जी हमेशा मुझे बोलती रही है अर्चना तुम्हें चुप नहीं बैठना है, तुम्हें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी है, अदरवाइज तुम्हारी तरह बाकी लड़कियाँ भी फिर तुम्हारी जैसी रह जाएंगी। फिर मैंने माइंड सेट किया अब कुछ भी होगा मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और आगे सबको प्रूव करूंगी कि मैं सही हूं और ये सब लोग गलत हैं, और आपको इस चीज का पता सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा। चांदनी जी, इस वक्त आप जो चांदनी जी, कितना डिफिकल्ट था अर्चना गौतम को उनके ये पूरा जो हादसा हुआ उसके बाद से उनको एक सपोर्ट करना, उनको मेंटली स्ट्रांग करना, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए बीइंग अ फैमिली फ्रेंड और एक दोस्त के नाते? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 29 को जब मेरी अर्चना से फ़ोन पे बात हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा वो घबराई हुई थी, और किसी ना किसी तरह से वो मुंबई पहुँची, जैसे कि मैंने पहले भी प्रेस वालों को बताया था। पर जब मैं उससे मिली तो जो उसकी कंडीशन थी, एक सहमी हुई लड़की जिसको हमने सबने, आप सबने देखा है कि वो बहुत ही बोल्ड है, अपनी बात को हमेशा रखती है सबके सामने, जैसे कि इसका बिग बॉस में भी एक इंसिडेंट हुआ था जिनको ये दीदी बोलती है प्रियंका गांधी जी को लेकर, उस पर भी इसने पूरा एक्शन लिया था। बट जब मैं 29 तारीख वाली अर्चना से मिली तो वो एक डरी सहमी लड़की जिसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और जिसके ऊपर देश की महिलाओं ने सबसे, मतलब अचंभे वाली ये बात है, देश की महिलाओं ने, उसी पार्टी के लोगों ने जिन्होंने इसके साथ 2 साल पहले काम किया था, एक दलित लड़की को लेके आए थे, एक चेहरा इनको बनाया गया था कि आज दलितों की जो लड़की है वो भी खड़ी हो सकती है, उनको भी आगे आने का पूरा पूरा हक है। उसके बाद जब मैं इनसे मिली तो इनमें ये बोले कि मुझे किसी बारे में बात नहीं करनी है, मैं इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाना चाहती हूँ, मेरे पिताजी पे बहुत घात हुआ है, इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इनको मारा गया, पीटा गया, गाड़ी के आगे बोनट पे डाला गया, शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि एक हत्या की साजिश थी। जहाँ तक आप, जब हम देखते हैं कि भीड़ में किसी आदमी पे या औरत पे ऐसे हमला किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक उसके पीछे एक एजेंडा है, वो सोची समझी साजिश होती है। हाँ, तो जैसे जो वहाँ पे, जैसे अर्चना ने मुझे इंसिडेंट में बताया कि बहुत सारे वहाँ पे मर्दों ने भी, जिसको हम कहते हैं वहाँ पे जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने 29 को मेरे सामने ये बात आई थी, मैंने भी डिसाइड किया कि एक औरत को एक औरत के काम आना पड़ेगा, हम लोग को आवाज़ उठानी पड़ेगी इस इंसिडेंट के ऊपर, क्योंकि आज अर्चना है जिसका नाम है, आप सब उसके नाम पे बात भी करते हैं, हम जैसे देख रहे हैं कि देश दुनिया में भी ये पूरा जगह पे ये बात हो चुकी है। बट अगर यही उस कार्यालय के सामने शायद एक आम महिला होती या एक आम कार्यकर्ता होती, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो वो किसके पास जाती? तो ऐसे कुछ जो लोग इंसिडेंट हमारे देश में होते हैं उसके लिए वो सब समझा के हमने बातचीत की आपस में, इसने भी अपना पूरा पावर को इकट्ठा किया दोबारा कि ठीक है आप सब बोलते हैं, आप सब मुझे साथ दीजिए और मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। तो हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हम सब ने आपसे बात की, बट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उसका कहीं ना कहीं माइंड सेट ये था कि कांग्रेस में क्योंकि एक महिला है प्रियंका गांधी तो वो मेरी बात सुने, राहुल गांधी मेरी बात सुनेंगे, ये उसका आधार था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बट जब हमने 2 दिन तक लिटरली हमने वेट किया तो वो चीज़ नहीं आई, कहीं ना कहीं वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, और जो निलंबन का आया वो आप सबने देखा, सब नेशनल मीडिया पे वो था, और एक वो फेक लेटर था, डिलीट भी करवाया गया।
तो कुछ ऐसे और जो मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये कहीं ना कहीं ये बात हमारी रह गई थी उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अर्चना के साथ साथ जो दिल्ली में मीडिया की जो महिला कर्मचारी थी उस पर भी आप देखिए, उस वीडियो में आप देखिए, बहुत सी लड़कियां जो माइक लेके वहां थी उनको भी पुश किया गया, और उन्होंने जो इंडिया न्यूज पे जो पहली खबर ये आई थी उस लिंक को डिलीट करवाया गया विद इन अ फ्यू सेकंड्स। तो वो उन्हीं महिलाओं ने, और वो जिस लड़की को पुश किया गया था उसके हाथ में माइक था इंडिया न्यूज का, ये मैंने खुद वीडियो में देखा है, और उसी लड़की को जोर से धक्का दिया गया था अर्चना के बाद। बहुत सारी वहाँ पे और भी थी, क्योंकि हम देखते हैं 10 जनपद 12 जनपद के आसपास हमेशा से, क्योंकि खुद मैं दिल्ली से हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस वैन्स होती हैं, तो उन्होंने वो कैप्चर किया पूरा, और वो एक के बाद एक सारे न्यूज चैनल से उनको डिलीट कर गया गया। जो पहला न्यूज चैनल था वो इंडिया न्यूज था, और हमने उस पर देखा भी कि अब वो अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट भी मेरे पास वो लिंक भी इनके पास है जो हमने मीडिया में दिखाया था। तो इस ये सब जब चीजें हुई उसके बाद हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम लॉयर को मिलेंगे। हम अब जो है हमें देश से कहीं ना कहीं जो जिनसे इनको उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो रही है, तो अब हम कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि इन्होंने बोला कि अंबेडकर जी ने हमें ये सिखाया है कि आपको कहीं से इंसाफ ना मिले तो आप कानूनी लड़ाई लड़ें, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं सारे। और मैं कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सुहेल जी का भी, इनकी पूरी लीगल फॉर्म का, जैसे इन्होंने हमें सपोर्ट किया, और एक परिवार की तरह एक लड़की जब सहमी हुई लड़की आपके पास आती है तो उन्होंने बोला कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इन्होंने उस दिन से डॉक्यूमेंट्स पूरे जो भी सोशल मीडिया पे थे वीडियोस ये सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, अर्चना को इन्होंने बिठा के पूरी उनका जितनी भी उस दिन की वो थी बातें उनकी वो सब सुनी। और मैं अभी भी थोड़ा सा असमंजस में हूँ क्योंकि इनके पिताजी को हम नहीं ला पा रहे क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनसे भी हम रूबरू कराएंगे आप लोगों को जैसे ही वो ठीक होते हैं। अभी उसका ध्यान ये भी है कि फैमिली में पापा पे ऑलरेडी इतना घात हुआ है तो दोबारा ये चीज़ें ना हो सके, यू नो। तो अब हमारी रिक्वेस्ट ये है जो कि हमने पीएम मोदी को लिखा है, जो हम सब मोदी जी कह के जानते हैं, और मेरी तो उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो देश की बेटी है जो कि दलित है, उन्होंने हमेशा इस चीज़ की लड़ाई लड़ी है, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आप सब जानते ही हैं, तो मेरा उन सबसे दरख्वास्त है, दिल्ली सीएम से है, महाराष्ट्र सीएम से है, हमारी पुलिस से है, कि जो लड़की इतने 10 दिन से जो आज डर रही है मीडिया के सामने या अपनी बात रखने में भी, तो आप कहीं ना कहीं हमें कानूनी तौर पे सपोर्ट करें, और यही उसका जो सपोर्ट है वही उसको आगे और बढ़ने में, ये कानूनी लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा उसको अगर आप सब सपोर्ट करें। बिल्कुल, और साथ के साथ मेरे जो भी दलित समाज के जो कम्युनिटी है, जो समाज के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप भी मेरा साथ दें। सुहेल जी, आप क्या बोलेंगे अब जब आप FIR कराने वाले हैं या फिर जो भी जाएंगे अर्चना FIR कराने, जो मुख्य ग्राउंड्स रहेंगे आपके वो क्या रहेंगे, कौन सी धाराओं पर जो है आप ये पूरा FIR दर्ज कराने वाले? देखिए, जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन, तो उस इंसिडेंट के बेस पे जो काफ़ी पूरे देश के सामने इंसिडेंट है, वो वीडियो इंसिडेंट जो है वो सबके सामने है, और जो विक्टिम है जो हमारे साथ आज बैठी है अर्चना, उनके पास जो हुआ है और उनके स्टेटमेंट के हिसाब से सेक्शंस जो काफ़ी ऐसे सेक्शंस तो हमने काफ़ी सारे मांग किए हैं, जो मेन सबसे सेक्शन लगता है वो है 354 जो होता है, जो आउटरेजिंग वुमन मॉडेस्टी होती है, हमने वो लगाया है जितने भी लोग थे वहाँ पे, उसके साथ हमने अनलॉफुल असेंबली लगाया है, क्योंकि जब 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे जब जमा हो जाते हैं या कुछ एक ऐसा इंसिडेंट करते हैं जिससे जब आसपास का पीस जो होता है उस पे होता है, और जो जो इंसान है जिसको प्रॉब्लम होती है तो उस पे हम 143 काफ़ी सारी धाराएं होती है। साथ में हमने इनके ऊपर, क्योंकि ये एक दलित महिला हैं और शी बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट जो है जो पीछे, उसके भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं 3, 4, 5, उस स्पेशल एक्ट किया गया, तो हमने वो सब धाराओं के तहत एक FIR दर्ज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इनका स्टेट, क्योंकि देखिए जो एविडेंस है वो पूरे देश के सामने है, देखिए छुपी भी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं, वो एविडेंस सामने है, हम चाहते हैं प्रॉपरली इस एविडेंस के बेस पे पुलिस इंक्वायरी करे, इनका स्टेटमेंट ले, जैसा इन्होंने कहा CCTV होगा वहाँ पे, CCTV फुटेज प्रिजर्व जो है कांग्रेस के ऑफिस के सामने जो प्रिजर्व करे, और एज पर लॉ हम कह रहे हैं एज पर लॉ आप FIR दर्ज करें। डिफेमेशन भी क्या आप लोग करेंगे कि जिस तरह से डिफेम किया गया अर्चना गौतम को लेके कि इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया एक फेक लेटर, उस पर भी आप डिफेमेशन? जी, वो अभी इन प्रोसेस है, हम उस पर अभी डिस्कशन चालू है हमारा, जो डिस्कशन करेंगे हम, और जो एज पर लॉ जैसे मैंने कहा एज पर लॉ जो भी चीज़ बैठती है जो चीज़ें होती है हम जरूर करेंगे, और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अर्चना, मेरा एक सवाल आखिरी सवाल मैं कहूँगी इस हिसाब से,
कांग्रेस पार्टी का सिचुएशन आजकल हम सभी जानते हैं कहाँ पर है। आप पार्टी में इतने कुछ साल रही हैं, राजनीति में आप अभी सक्रिय हो ही रही थी कि ऐसी घटना हो गई, कांग्रेस पार्टी को लेकर आपकी राय बताइए, क्योंकि आपने जैसा बताया कि प्रियंका गांधी का उनका पीए आपको ब्लॉक कर दे रहा है, उनको नहीं पता चलता, तो यानी अगर हमें कोई इश्यू एड्रेस करना हो कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो क्या उसमें कोई मिडिल लेवल पे कोई भी हेल्प करने के लिए कोई कुछ है नहीं? मतलब आपको डायरेक्टली अगर न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए या फिर कुछ भी जस्टिस चाहिए, तो आपको डायरेक्टली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही कॉन्टैक्ट करना है? यानी इसके अलावा जो पूरा ढांचा है कांग्रेस पार्टी का वो कमज़ोर है, आप ऐसा बोलेंगे? उन तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि जो मैं यही बताना चाहती हूँ, देखिए राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेताओं में से एक आते हैं, प्रियंका गांधी जी भी और सोनिया गांधी जी भी, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो ये मीडिएटर बैठे हुए हैं, जो इनके पीए बन के बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप को ये प्रियंका गांधी समझते हैं, अपने आप को ही राहुल गांधी समझते हैं, तो इनके माध्यम से वो चीज़ पास आउट नहीं होती है, तो वो उसी चीज़ में लटके रहते हैं। जैसे कि इन लोगों ने मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया है वो ये लगाया है कि उस दिन मैं गुंडों को लेके गई थी मारपीट करने के लिए, ठीक है हमने आपकी बात मानी है, बस एक बार सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। तो जनता के साथ आप ऐसा करेंगे, अगर कोई गरीब से या कोई दलित से या कोई किसी भी समाज से अगर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आता है, तो क्या आप अपने ऑफिस के बाहर गुंडों को भेजेंगे मरवाने के लिए? ये कहाँ का जनता दरबार है? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि खड़गे जी को, कि इस चीज़ पे खड़गे जी आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैं राहुल गांधी जी को भी मैं बोलना चाहती हूँ और प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी मैं बोलना चाहती हूँ, इस चीज़ की जानकारी आप लगाइए, ये आपका काम है। मैंने मेरा जो काम था मैंने वो अपना काम कर दिया, अभी मैं हर किसी से लड़ नहीं सकती हूँ, जितनी मेरी में कैपेसिटी है मैं उतना कर रही हूँ। अर्चना जी, क्या आप अभी बॉलीवुड करियर पे अपने फोकस करोगी या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप दूसरी ज्वाइन करोगी? देखिए इस चीज़ का मैंने अभी कुछ चीज़ें नहीं सोची है, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और इनफैक्ट आपको ये भी बता दूँ जैसे नवरात्रि आ रही है तो मेरे पास काफ़ी सारे इवेंट्स आए हुए थे नवरात्रि के, वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखो वीडियो डालनी पड़ती है कि हाय गाइस मैं इतनी तारीख को आ रही हूँ, कल को वहाँ पे मेरा किसी इवेंट के जरिए मेरा कुछ हो जाता है, तो इनफैक्ट मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि दीदी का एक स्लोगन मुझे आज तक स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और हमेशा अब लड़ूंगी। अर्चना जी, आप उन लाखों हजारों महिला की आप आवाज़ है, सभी आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मुझे जो इंस्पिरेशन मिला है उन औरतों से मिला है जिनका मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाती है और एक पेपर में छप के रह जाती है और उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला होता नहीं है। आज अगर भगवान ने मुझे ज़िंदा रखा है तो यही सोच के रखा है कि शायद मैं उन महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ और उन लोगों की आवाज़ उठाऊँ, और आज जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं आवाज़ उठाऊँगी, और गलत को गलत बोलने में कोई गलती नहीं होती है और वही चीज़ मैं करूँगी। तो मुझे उन महिलाओं से इंस्पिरेशन मिला है जिनका रेप हो जाता है, जिनका मर्डर हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं रहता, उन महिलाओं से इंस्पिरेशन मिला। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया था, और उसके अलावा मैं 12 तारीख को मॉर्निंग को ट्रैवल कर रही हूँ FIR कराने के लिए, तो मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो हमारे लाइक दिल्ली के CM है उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, और महाराष्ट्र के CM है उन लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे प्रोडक्शन मिले, और क्योंकि मेरी सच में जान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उनके खिलाफ FIR दूँ, तो वो लोग रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि मैं सही सलामत अपना घर वापस आ सकूँ FIR करा के। तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चाहिए और यहाँ से मुंबई तक जाने की भी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे प्रोडक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे कि उन्होंने बोला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है, तो जब वो घर से निकल रही हैं ऑब्वियसली आप सबने अभी जैसे पूछा कि इतने दिन से आपने इस बारे में बात नहीं की, ये लीगल थोड़ा सा जब आप कार्रवाई करते हैं इसकी हैंड रिसीविंग हुई है, ये आप ज़रूर इस पर गौर डालिए, और उसके बाद ये आया ईमेल भी सब ऑफिसेज में जितने भी हैं CM PM दिल्ली में भी और यहाँ महाराष्ट्र में भी सबको रिसीव हो चुका है।
और सबसे बड़ी बात कि पुलिस को रिसीव हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको घर से एयरपोर्ट तक की सुरक्षा प्रदान की जाए, और दिल्ली एयरपोर्ट से जो ये तुगलक रोड जो जहाँ पे कंप्लेंट दर्ज होगी दिल्ली में, वहाँ तक इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सेंटर में कार्यालय के सामने ये हो सकता है हादसा, तो ट्रैवलिंग में कुछ भी हो सकता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि 12 को अर्चना ट्रैवल कर रही हैं, और 12 से पहले अगर इनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए, तो यही हम लोगों का सबसे बड़ा जो है रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से। हाँ, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जिससे कि मैं जिन्होंने ये किया है, ये इतना गंदा व्यवहार जो मेरे साथ किया है ऑन रोड, उनको मैं सजा दे सकूं। और जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको भी मैं बोलना चाहती हूं, और जो मुख्यमंत्री हैं अपना दिल्ली के, उनको भी मैं बोलना चाहती हूं, इनफैक्ट होम मिनिस्टर को भी मैं बोलना चाहती हूं कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिससे मैं सही सलामत अपनी FIR दर्ज करा सकूँ। कहते हैं ट्रांजिट प्रोटेक्शन, जो यहां से वहां तक जाने तक का प्रोटेक्शन, तो ये चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के, वो यहां से दिल्ली जाने तक का प्रोटेक्शन होता है, और दिल्ली से फिर CM ऑफ दिल्ली है, वो उनको प्रोटेक्शन करेंगे। तो इस पूरे टर्म को कहते हैं ट्रांजिट प्रोटेक्शन, ये जो हमने उसमें मांग की है। और इसके